हो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना बुनका, कौवा मोती खाएगा। और ऐसे हेलो, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। गाइस आदि पुरुष 600 करोड़ का बजट मूवी उतनी कवर भी कर लेने वाली है, लेकिन स्टोरी रिलीज के पहले कुछ ये कह रहे थे, क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म के डायरेक्टर बाजू में बैठ के सोच रहे हैं कि भाई तो बाद में गाली सुनवाएगा। फिल्म रिलीज के बाद मनोज जी क्या कह रहे थे वो सुनिए। फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही हैं और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं हमेशा। हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेवीली प्रेरित हैं, बहुत हेवीली इंस्पायर्ड हैं। अक्कल है। जो भी बनाया है तुमने, लेकिन 600 करोड़ का ये जो डिजास्टर आपने तैयार किया है, इसको रामायण क्या कोई नॉर्मल फिल्म सोच के भी नहीं देखने जाएगा? और आप लोग चाह के भी रामायण नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ चीजें ना बस एक ही बार होती है, एक ही बार अच्छी बनती है, और वो बन चुकी है। तो कुछ मैच ना हुआ, आजा फिर मैचिंग कर ली। बॉलीवुड के पास बहुत समय बाद एक ऐसा मौका था कि खुद को कुछ अच्छा प्रूफ करके दिखाएं, लेकिन उन्होंने बनाया कि फिर से एक डिजास्टर। और रही बात फिल्म की प्रमोशन की, तो इतना तगड़ा किया है इन लोगों ने, मतलब गट्स को मानना पड़ेगा। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, व्हेरेवर देयर इज आदिपुरुष शो, ईच एंड एवरी शो, आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस टू आवर प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर दैट प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी। He will come to see Ramayana। भाई फिल्म के एक्टर्स से ज्यादा अच्छा एक्टिंग तो ओम राउत जी ने किया है। इनको ही कुछ ना कुछ बना देते, पक्का कोई ना कोई कैरेक्टर सूट तो कर ही जाता, क्योंकि प्रभास पे राम जी का कैरेक्टर तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। और ओम राउत जी आप क्या सोच के रोने लगे? Keep one seat for our हनुमान जी। एक सीट क्या, तुमने जैसी मूवी बनाई है ना, पूरा का पूरा हॉल खाली रहेगा। ओम राउत जी ने इतना फनी चीज बोल दिया है ऐसा वाहियात मूवी बनाने के बाद कि पीछे कृति सनोन भी अपनी हंसी रोक रही है। शुक्र मनाओ कि हनुमान जी नहीं देखने आए हैं, मतलब मैं तो यही मना रही हूँ कि नहीं देखने आए, क्योंकि अगर देखने आते ना तो तुमको अपनी गदा से इतना मारते कि तुम फिल्म क्या चीज है वो भूल जाते। इतनी वाहियात मूवी बनाने के बाद ये रो रो के कह रहे प्लीज कीप अ सीट फॉर हनुमान जी। हनुमान जी इतने वेले बैठे हैं तुम्हारी ऐसी मूवी देखने हैं। इनका बस नहीं चला, वरना नोरा फतेही से आइटम सॉन्ग भी करवा दिए होते। पहले कहते हैं कि एग्जैक्ट रामायण बनाया है, बाद में कहते हैं कि हाँ रामायण से हेविली इंस्पायर्ड है। हेविली इंस्पायर्ड भी नहीं कह सकते इसको तो। रामायण और श्रीलंका, श्रीलंका को सोने की लंका कहते थे, हर जगह कुछ गोल्डन टाइप वाइब्स होनी चाहिए थी, एकदम गोल्डन वाइब्रेंट। राम जी के समय एकदम सिंपल, लेकिन इन लोगों ने जो डायलॉग्स लिखे हैं, हनुमान जी को जो गेटअप दिया है, राम जी को जो गेटअप दिया है, कृति सनोन से एक्टिंग बिल्कुल नहीं होती। और हनुमान जी ने लेदर वगैरह तो पहना ही नहीं होगा। शुरुआत के कुछ दिनों में लोग देखने चले गए कि शायद रामायण बनाया, शायद अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे होंगे, कुछ अच्छा सर्व करेंगे, लेकिन नहीं। बॉलीवुड को अब आदत हो चुकी है कि बिना गाली सुने तो काम हम करेंगे नहीं, और गाली सुन के भी काम नहीं कर रहे हैं यार ये लोग। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, रामायण ऐसा बनाओ लोग 600 करोड़ लगा के भी वैसा ना बना पाए। सही में यार इतनी बोरिंग मूवी है कि कुंभकर्ण अगर जिंदा होता ना, ये देख के फिर से सो जाता। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, भाई देख ही नहीं सो गया था बीच में। अरे बाप, अरे भाई साहब बिल्कुल बेकार, कोई खास मजा नहीं आया, सब स्टोरी बिगाड़ दी। अरे सर निवेदन है ना, बिल्कुल ना जाए। घटिया मूवी आज तक नहीं देखी मैंने, बहुत घटिया, नींद आ गई थी 15 मिनट के लिए, इतनी बोरिंग और बहुत ज्यादा बोरिंग मूवी। मतलब
हाँ अच्छा लगा ना एक चीज की फिल्म खत्म हो गई। 2 hours 59 minutes पे फिल्म बहुत अच्छी लगी भाई। 3 घंटे का फिल्म बनाया इन लोगों ने, इससे जो तो मैं व्लॉग बनाती हूँ यार। जननी हम राम दूत हनुमान, आपको पता है ये भी जिन्होंने बनाया था वो भी जापानीज हैं। 80 करोड़ का बजट उनका लगा था एनिमेशन वगैरह सब चीज में, और फिर भी इतनी अच्छी जापानीज होके भी इतने अच्छे तरीके से, इतने सिंपल तरीके से स्क्रीन पे सब कुछ दिखाया। लेकिन ये लोग हेविली इंस्पायर्ड होने के बाद भी लग रहा है जैसे मार्वल चल रहा है, कभी कभी पबजी चलाती है बीच में, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा था गाइस। क्या आपने रामायण में कभी जीसस क्राइस्ट को देखा है? मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु। आज मैं बोलना चाहती हूँ कि रावण में बहुत बुराइयां थी, लेकिन वो छपरी नहीं था। वहाँ फ्लैश वाली मूवी में हनुमान जी की तस्वीर दिखाई जा रही है, और यहाँ आदि पुरुष में जीसस क्राइस्ट। ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं है तो क्या है? एंड लेट मी मेक दिस थिंग क्लियर, नो वन्स मेकिंग फन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इट्स प्रभास। सोशल मीडिया यूजर्स क्रिटिसाइज्ड आदि पुरुष डायरेक्टर ओम रावत आफ्टर हिज ओल्ड ट्वीट अबाउट लॉर्ड हनुमान जी रीसर्फेस्ड। वॉज गॉड हनुमान डेफ पीपल अक्रॉस माई बिल्डिंग थिंक सो, playing loud music like really loud on Hanuman Jayanti plus all irrelevant songs. Okay, so now I know कि कोई secularism का है जिसने ये movie, मैं इसमें गाली नहीं देना चाहती, कोई secularism का होगा जिसने इस movie को बनाई है, ओम रावत जी, yes। तभी मैं सोचू कि इतनी सारी घटिया चीजें क्यों हो रही। तब तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा जब अजान चलता है रोज हर मॉस्क्यूज में एकदम लाउड स्पीकर्स पे। मेरे को नहीं लगता हनुमान चालीसा रोज ऐसे तेज तेज बजाया जा रहा होगा, इट्स हनुमान जयंती तो बजाएंगे। आज पहली बार मैं किसी फिल्म के लिए कहना चाह रही हूँ बॉयकॉट आदि पुरुष। आई वॉन्ट यू ऑल टू स्पैम इट ऑल इन द कमेंट्स, बॉयकॉट आदि पुरुष एंड बॉयकॉट इट इन ट्रू। ट्विटर पे चलाओ तुम लोग अपना जो भी चलाते हो भाई, तुम जाके दूसरे रिलीजन को देखो, मतलब जो भी जैसे भी है वो, लेकिन उन लोगों में एक यूनिटी है। साला हम हिंदू लोग को ही इतना चस्का चढ़ा है कि किसी को एथिस्ट ही बनना है, किसी को अपना धर्म पे भरोसा ही नहीं है, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, क्या है ये? यू आर कॉलिंग हनुमान जी डेफ, व्हाट डू वी कॉल यू, टेररिस्ट? फिल्म में एक जगह सीता माता के गले पे चाकू रखा गया है, ये कब हुआ था बे रामायण में बॉलीवुड के भड़वो? हाँ इंद्रजीत के पास वो इल्यूशन वाली पावर थी कि उन्होंने एक फेक सीता मैया को क्रिएट किया और उनका गला रेता गया ताकि राम जी की हिम्मत को तोड़ा जा सके, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ मेंशन किया गया है क्या? हैवीली इंस्पायर्ड आदि पुरुष विद 600 crores, रावण के 5 सिर ऊपर है 5 सिर नीचे, ताकि मीम्स लोग ठीक से इंस्टाग्राम फ्रेम में मीम बना के डाल सके। इन लोगों का मोटिव ही यही था यार कि भाई टट्टी कर देते हैं कुछ भी, बस लोग तो गाली दे दे के ही सही, लेकिन फिल्म को कैसे भी पब्लिसिटी दिलाई देने वाले हैं। हाथ में वाइन का ग्लास है, जीसस क्राइस्ट, वाओ अल्लू अर्जुन। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पदरज है तुम्हारी, सिंपल कितना सुंदर लग रहा था ये। और फिर आदि पुरुष को देख लो, 600 crores खर्च करने से पहले इन लोग को ये क्यों नहीं सूझा कि सादगी में ही सुंदरता है? एटलीस्ट डायलॉग्स तो लिख सकते थे सही से। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप। लास्ट में वो क्यों नहीं बुलवा दिए टीचर बेबी? अरे छपरी है, कैसा मूवी बनाया हो बे? हनुमान जी जितने बलशाली थे उतने ही बुद्धि से भी तेज थे, उनके शब्द कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकते। लोगों ने सीधा साफ हिंदू रिलीजन को नीचा दिखाने के लिए एक ऐसा घटिया सा मूवी तैयार कर दिया है, और फिर कह रहे हेविली इंस्पायर्ड बाय, एक बच्चा भी इससे बेटर बता सकता है रामायण? तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी हम उनकी लंका लगा देंगे। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है।
मनोज मुंतशिर ने बहुत सारा अच्छा काम किया है पास्ट में, लेकिन ये क्या था, इतना दोगलापन। देखो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है किसके मन में क्या है और कौन अपने आइडियाज कैसे दिखाना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसा रामायण जिससे सबके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उसको तुम ऐसे डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो, और वो भी ये एक्टिंग करने के बाद कि प्लीज एक सीट छोड़ देना हनुमान जी के लिए। पास्ट में तुम हनुमान जी के लिए एक ऐसा ट्वीट करते हो और अपना फिल्म आते ही तुमको अचानक से श्रद्धा जाग जाती है। देखो मुझे किसी भी और रिलीजन से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे उन हिंदू से जरूर प्रॉब्लम है जो कि दिखाते हैं कि भाई मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, बहुत श्रद्धा से सब कुछ कर रहा हूँ, और उनकी हरकतें बिल्कुल विपरीत होती हैं उनके शब्दों से। इफ यू कांट रिस्पेक्ट अ रिलीजन डू नॉट इवन ट्राई टू डिसरिस्पेक्ट। आई हैव एक्चुअली नॉट वॉच्ड द मूवी और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी मत देखना। मुझे जितना भी मूवी के बारे में पता है वो लोगों से सुन के पता है, पर आप लोग जिन्होंने भी नहीं देखा है बॉयकॉट आदि पुरुष, डू नॉट वॉच इट। एंड यस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, वहां पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।